देश भर में नोटबंदी को लेकर अफरा तफरी मची है। इस फैसले से लोग पूरी तरह त्रस्त हो चुके हैं और नोटबंदी जिंदगी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि नोटों की इस जद्दोजहद में जिंदगी ने कई लोगों का साथ छोड़ दिया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। जिंदगी पर भारी पड़ी नोटबंदी, नोट देने और नोट लेने में गई जान। नोटबंदी ने छीन ली 25 जिंदगियां। जी हाँ, सही सुना आपने। नोटबंदी के फैसले के बाद से ही पूरा देश बेहाल है। लोग भूखे प्यासे रातों की नींद गवाकर बैंकों और एटीएम के बाहर कतार में खड़े हैं। क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या औरतें, क्या बच्चे, सभी एक ही कतार में खड़े हैं ताकि अपनी ही जमा पूंजी हासिल कर जीवन चला सके। नोटबंदी ने जिंदगी की रफ्तार पर बेड़ियां डाल दी है। लोग असहाय हैं। नोटों से जुड़ी इस जद्दोजहद के बीच जहां जिंदगियां बेहाल हैं, तो कई जिंदगियां सरकार के फैसले के सामने दम तोड़ती नजर आ रही हैं। खबरों के मुताबिक पिछले 6 दिनों में 25 लोग सदमे या फिर इलाज न मिलने से दुनिया से रुखसत हो गए। नोटबंदी ने इंसानियत का इस कदर गला घोट दिया कि धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर का पेशा भी शर्मसार हो गया। ऐसी ही घटनाओं पर आप भी नजर डालें कि आखिर देश में हो क्या रहा है। यूपी के गोरखपुर में जब महिला को पता चला कि उसके 500 और 1000 के नोट अब नहीं चलेंगे, तो कथित तौर पर सदमे से उसकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में 45 वर्षीय किसान ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि वह कई बार लाइन में लगने के बावजूद बंद हुए नोट नहीं बदलवा पाया था। मध्य प्रदेश के सागर कस्बे में काफी देर तक खड़े रहे बुजुर्ग का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इसी तरह गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के लिमडी कस्बे में 69 वर्षीय बुजुर्ग की भी लाइन में लगने के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुंबई के गोवांडी क्षेत्र में एक दंपत्ति को अपना नवजात बच्चा खोना पड़ा। बच्चे को तेज बुखार था और आरोप है कि अस्पताल ने 500 व 1000 के नोट लेने से मना कर दिया था। यूपी के मैनपुरी में अस्पताल के पुराने नोट लेने से इनकार करने के बाद एक और बच्चे की मौत हो गई थी। विशाखापट्टनम में भी 18 महीने के बच्चे की जान सिर्फ इस वजह से चली गई कि अस्पताल वालों ने पुराने नोट लेने से मना कर दिया था। पटना में नोटबंदी की खबर सुनने के बाद एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसकी बेटी की शादी होने वाली थी और व्यक्ति को लगा कि दूल्हा दहेज में पुराने नोट नहीं लेगा। वहीं केरल के अलापुजा में 75 वर्षीय कार्तिकेयन बैंक के बाहर गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी तरह कर्नाटक के उडुपी में 96 वर्षीय बुजुर्ग की लाइन में खड़े खड़े मौत हो गई। बैंक तब तक खुला भी नहीं था। नोटबंदी के फैसले ने लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। घंटों कतार में खड़े लोगों की हिम्मत भी जवाब देने लगी है। सरकार के इस फैसले से कहीं लोगों की आंखें नम हैं, तो कहीं लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। और शायद यही वजह है कि नोटबंदी का फैसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी लोगों को राहत नहीं दी है। कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह जनता को हो रही परेशानियों पर ध्यान दे और पैसा निकासी की रकम सीमा को बढ़ाए। इस मामले में अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कई लोगों की उम्मीद जरूर टूट गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब नोटबंदी का फरमान सुनाया, तब मानो लगा कि सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अब जो भयानक तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं, वो इसके बिल्कुल उलट है। देश में अफरा तफरी का माहौल है, सिस्टम सुस्त है और जनता त्रस्त है। देखते रहिए डीबी लाइव।